हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं दुधिया कद्दू का हलवा, जिसे लौकी का हलवा या खीरे का हलवा भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कद्दू, एक कप दूध, आधा कप खोया, कटा हुआ काजू, कदा हुआ बादाम, दो चम्मच घी, एक कप शक्कर, इलायची पाउडर और ग्रीन कलर। सबसे पहले कद्दू को आप पील कर लें। पील करने के बाद आप इसे कट कर लें, ताकि आप बीच वाला हिस्सा अच्छी तरह से साफ कर सकें। साफ की हुई लौकी आपको इस तरह मिलेगी। अब आप इसको बारीक अच्छी तरह से किस लें। ये किसी हुई आपकी लौकी तैयार है। किसे हुए कद्दू को एक पैन में डाल लें और इसमें दूध मिक्स कर लें और अच्छी तरह हिलाएं, ताकि दूध और कद्दू एक हो जाए। जब तक हमारा कद्दू पकता है, हम खोए को दूध के साथ मेल्ट कर लेंगे। धीमी आंच में खोए को दूध के साथ अच्छी तरह 2 मिनट तक पका लें, ताकि हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए। अब इसमें शक्कर डाल लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हरा कलर थोड़ा सा डालेंगे, ताकि हमारे हलवे में अच्छा कलर आ जाए। हम लौकी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक जो भी इसका पानी है सूखने तक इसको पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी पानी था वो पूरी तरह से सूख गया है। हमने जो खोए का मिक्सचर तैयार किया था, इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें इलायची पाउडर और घी डाल देंगे। घी डालने के बाद धीमी आंच पर आप इसको अच्छी तरह भून लें और लगातार हिलाते रहें, ताकि ये कढ़ाई को लगे नहीं। अब आप इसमें कटा हुआ बादाम और काजू डाल लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपका हलवा तैयार है। अब आप इसे प्लेट में निकाल लें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।